सनलाइट टीवी में आप सभी का स्वागत है। हाथरस सत्संग कांड जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली तक भी सुनाई दी। मुर्दों में जान फूंकने का दावा करने वाला भोले बाबा ठीक उस वक्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था जब सबसे ज्यादा मुर्दों को उसका इंतजार था। हाथरस हादसे के बाद सामने आई सीसीटीवी कैमरे की एक तस्वीर ने भोले बाबा के झूठ की सारी पोल खोल कर रखी है। लेकिन कमाल ये है कि इसके बावजूद यूपी पुलिस की नजर में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा अभी भी गुनाहगार नहीं है। ना एफआईआर में भोले बाबा का नाम है और ना ही यूपी पुलिस की जुबान पर। यहां तक कि अपराधियों पर कहर बरपाने का दावा करने वाली यूपी सरकार का बुलडोजर भी खामोश है। उसका दावा था कि वो मुर्दों में जान फूंक देगा। इस दावे को एक बार सच करने की कोशिश भी थी, लेकिन अब जब सचमुच उसके दावे को सच कर दिखाने का मौका आया तो जानते हैं हवलदार से बाबा बने इंसानों के बनाए भगवान भोले बाबा ने क्या किया। जिंदगी की आस लिए जिंदगी से परेशान जो मासूम भक्त उसके पास आए थे वो उन्हें ही सर कोखे तो पगडंडियों पर गिरते पड़ते मरते देख वो भाग खड़ा हुआ। हाथरस में नेशनल हाईवे नंबर 51 के करीब ही वो जगह थी जहाँ सत्संग हो रहा था। उधर जैसे ही भगदड़ मचती है इधर नेशनल हाईवे नंबर 51 अचानक गाड़ियों का काफिला ऐसे भागता है जैसे फॉर्मूला नंबर 1 की रेस में हो। वहां से सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि सड़क के दूसरी तरफ जाती हुई गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थी। दाएं से बाएं जाती हुई गाड़ियों की रफ्तार भी देखने वाली। सबसे पहले एक साथ कई मोटरसाइकिल बेहद तेज रफ्तार में भागती हुई कैमरे में कैद होती है। इन मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे, जो कोई और नहीं भोले बाबा के जो मासूम कमांडो है ब्लैक कमांडो। इनका काम ही है बाबा के रूट को ऐसे खाली करना और कराना मानो बाबा का नहीं पीएम का काफिला गुजरने वाला हो। बाइक पर सवार अब ब्लैक कमांडो के पीछे पीछे अब गाड़ियों का काफिला दिखता है। काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां हैं और इन्हीं में से ये जो सफेद गाड़ी है इसी पर भोले बाबा बैठे हुए हैं। इस गाड़ी में बैठते ही भोले बाबा को उनके मुख्य सेवादार ने फोन कर बता दिया था कि भगदड़ कितने लोगों को मार चुकी है, पर क्या मजा जो बाबा की गाड़ी पर देख रहे हैं। भोले बाबा सचमुच भोले बनकर पीछे अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़कर वहां से निकल गया। सोचिए बाबा अगर रुक जाता लौट आता और अपने दावों के हिसाब से मुर्दों में जान डाल देता तो फिर बाबा का कादौर बाबा की जायदाद कितनी और बढ़ जाती। जब अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़ बाबा गाड़ी में बैठकर भाग रहा था तब उन्हें वहां पीछे मरते हुए लोगों का लाइव अपडेट उनका मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर फोन पर दे रहा था। बाबा और प्रकाश मधुकर के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक 2:48 पर मधुकर ने भोले बाबा को पहला फोन किया था। बातचीत कुल 2:17 हुई थी, तब बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहा था। बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के मुताबिक भोले बाबा दोपहर 3 से 4 तक 35 तक यानी कि अगले 1 घंटे 35 तक मैनपुरी के अपने आश्रम में था। इसी दौरान 3 अलग अलग नंबरों पर उनकी बात हुई। ये तीनों ही नंबर मुख्य सेवादारों में से उनमें से एक उनकी पत्नी का था। आखिरी बातचीत 4:35 पर खत्म हुई और इसी के साथ बाबा का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। 2 जुलाई शाम 4:35 के बाद से अब तक भोले बाबा का मोबाइल बंद है। जानकारी के मुताबिक भोले बाबा 2 जुलाई की शाम तक मैनपुरी में ही था, लेकिन शाम 4 बजने के बाद जैसे ही हर न्यूज चैनल पर हाथरस की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, भोले बाबा मैनपुरी से खिसक लिया। इसके बाद से वो कहां है किसी को नहीं पता। बहुत मुमकिन है पुलिस को पता हो, लेकिन लगता है कि यूपी पुलिस को फिलहाल भोले बाबा की कोई जरूरत ही नहीं है। अलीगढ़ की आईजी जोन सुलभ माथुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन में है, सेवादारों को ढूंढा जा रहा है, दबिश डाली जा रही है, कसूरवारों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या मजाल जो इनकी जुबान पर एक बार भी उस भोले बाबा का नाम आ जाता। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कसूरवारों का जिक्र किया गया, हर गुनहगार पर शिकंजा कसने का वादा किया गया, लेकिन भोले बाबा की कोई बात नहीं थी। कमाल है ना कि भोले बाबा के मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर का सुराग देने वालों के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया गया, तब भी बाबा का नाम नहीं लिया। ये कुछ ऐसे ही हुआ कि पुलिस ने मर्डर के किसी केस में कातिल को तो पकड़ लिया, लेकिन कत्ल के लिए सुपारी देने वाले को क्लीन चिट दे दी। हालांकि जब आईजी साहब खुद अपनी बात पूरी कर ली तब कई रिपोर्टर को भी बड़ा अजीब लगा कि बाबा का तो नाम ही नहीं, लिहाजा रिपोर्टर्स ने सीरियस सवाल ठोक दिया।
अब जवाब तो देना ही था, तो एडीजी साहब कहते हैं कि बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो भोले बाबा से भी पूछताछ कर लेंगे। हम उनके पुराने जुर्मों की भी कुंडली खंगाल रहे हैं। 2000 में बाबा जॉन शोषण के मामलों में जेल गए थे, हमें उनकी जानकारी मिली है। कमाल है आईजी साहब। वैसे एडीजी साहब से क्या शिकायत करें, बेचारे खुद ही बेबस नजर आए। इनकी बेबसी का आलम तो देखिए, ये खुद ही बता गए कि भोले बाबा जब सत्संग में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, फिर उनके इलाके में पुलिस वालों की भी एंट्री नहीं होती है। भोले बाबा के इलाके में उनकी मर्जी के बिना क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, कोई नहीं घुस सकता। कायदे से इस मामले में आईजी साहब की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने बड़ी साफ बोली से ये सच्चाई बयां की और इस बयान से ये साफ हो गया कि भले ही हाथरस पुलिस और प्रशासन ने 2 जुलाई की सत्संग के लिए 80,000 लोगों की इजाजत दी हो, लेकिन सत्संग में भी पुलिस प्रशासन को जाने की इजाजत तो नहीं मिली होगी। इसी से पुलिस की बेचारगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जहां 2.5 लाख लोग मौजूद हों, पुलिस प्रशासन गायब, तो फिर ऐसे किसी बड़े हादसे या भगदड़ को भला कौन और कैसे टाल सकता है। वैसे यूपी पुलिस से उम्मीद भी क्या लगाई जाए, जब भोले बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं है, तो फिर किस मुंह से यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करे और उन पर हाथ डाले। यही कोई आम आदमी होता तो अब तक तो बिना एफआईआर के ही जाने कितने ठिकानों पर बुलडोजर चल चुका होता। ऐलानिया चीख चीख कर बुलडोजर चलाने वाली यूपी सरकार के तमाम बुलडोजर या तो इस वक्त जंग खा चुके हैं या शायद उसमें डीजल खत्म हो चुका है। वरना तो यही यूपी सरकार थी जिसने सिर्फ मैसेज देने के लिए कई बार तो गलत घरों पर भी बुलडोजर चला दिया था, पर इनके जुबान पर भोले बाबा का नाम तक नहीं आ रहा है। वो बुलडोजर की बात भी करें तो कैसे, 90 के दशक में यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल की तनख्वाह 5,000 से भी कम हुआ करती थी। 2002 के आसपास भोले बाबा पुलिस की नौकरी छोड़ चुके थे, एक आम किसान परिवार से आते थे, लेकिन बाबा की इस दुकान से उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि आज बाबा 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति का मालिक है। ये तमाम संपत्ति आश्रम और आश्रम की जमीन की शक्ल में है। ये आश्रम भले ही ट्रस्ट के नाम पर है, पर सब जानते हैं कि असली मालिक कौन थे। सफेद सूट बूट और गॉगल्स वाले बाबा की अपनी पर्सनल सेना है, जिसे उन्होंने ब्लैक कमांडो का नाम दिया है। ये नाम उनके काले कपड़ों की वजह से है। ब्लैक कमांडो के अलावा बाबा के बेहद खास 80 के आसपास निजी सेवादार हैं। काफिले में 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं और सबसे कमाल ये है कि बाबा का दावा है कि वे अपने भक्तों से 1 रुपए दान भी नहीं लेते हैं। तो क्या पुलिस और सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस तरह की बात की जांच करे कि आखिर बिना दान के बाबा इतने धनवान कैसे बन गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस बार भी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक न्यायिक कमेटी बनाई गई है। 2 महीने में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है, पर दावा है कि 2 महीने बाद इस कमेटी की रिपोर्ट में किसी को दिलचस्पी नहीं होगी। यकीन ना हो तो आप पिछले 2-4 ऐसे हादसे उठाइए, उनकी कमेटी पर नजर डालिए और फिर बताइए कि उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई, कितने लोग अंदर गए, कितनों पर जुर्माना लगा, नहीं याद है ना, तो फिर हटाइए। 2 महीने बाद भी ये कहां याद रहेगा किसी को। तमाम बड़ी अपडेट्स पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ 7 लाइव टीवी। नमस्कार।